अगर आप भी जियो मार्ट पर एक सेलर हैं या फिर आप सेलर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए, क्योंकि आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने न्यू ऑर्डर्स को प्रोसेस कर सकते हैं, यानी जब भी आपके पास कोई भी नया ऑर्डर रिसीव होगा उसे आपको कैसे प्रोसेस करना है, कैसे आप उसे रेडी टू डिस्पैच कर सकते हैं। तो ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए आप इसे पूरा जरूर से देखिएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंकित और आप देख रहे हैं टेक्निकल एन की यूट्यूब चैनल। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए, अगर आप पहली बार देख रहे हैं हमारे वीडियोस को तो आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे ऐसी जो भी अमेजिंग वीडियोस आएंगी उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। सबसे पहले आपको अपने ब्राउजर को ओपन कर लेना जिसमें भी आप सेलर डैशबोर्ड को यूज करते हैं। उसके बाद आप जियो मार्ट का जो सेलर वेबसाइट है उसे आप ओपन करिए। ओपन करने के बाद आपके पास यूजर आईडी और उसका पासवर्ड डालने का ऑप्शन आता है। सिंपली नीचे जो आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करिए, वहां पे आपके पास जो भी यहाँ पे कैप्चा पूछे जाते हैं उन कैप्चा को आप जैसे फिल करेंगे उसके बाद आप लॉग इन कर सकते हैं अपने इस सेलर डैशबोर्ड में। जैसे कि मैं यहाँ पे वेरीफाई करता हूँ, वेरीफाई करने के बाद जैसे मैं सबमिट करूंगा तो हमारा जो सेलर पैनल है वो ओपन हो गया है। जब भी आपके पास कोई भी न्यू ऑर्डर रिसीव होता है आपके पास वो ऑर्डर आएगा पेंडिंग एक्सेप्टेंस में। कैसे आपको ये ऑर्डर्स प्रोसेस करने हैं वो अभी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको पेंडिंग एक्सेप्टेंस के नीचे आप देखेंगे यहाँ पे व्यू का ऑप्शन आता है, उस पर आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद जितने भी ऑर्डर्स आपको रिसीव हुए हैं न्यू ऑर्डर्स वो यहाँ पे शो होते हैं। उसके बाद आपको उस ऑर्डर आईडी पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा एक्सेप्ट एंड इनवॉइस, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका यहाँ से काम फिनिश हुआ है। अभी आपको और भी स्टेप्स करने हैं, आप इस वीडियो को पूरा जरूर से देखिएगा। अभी आपकी जो शिपमेंट जो आईडी है वो जनरेट हो गई है यहाँ से। अभी आपको दोबारा फिर से होम पे क्लिक करना है और अब आपको क्लिक करना है ऑल शिपमेंट्स पे। जैसे ही आप उसके नीचे जो व्यू ऑप्शन है उस पर क्लिक करते हैं आपके पास यहाँ पे ऑप्शन मिलने लगेगा आपको देखने के लिए इनवॉइस्ड। जैसे ही आप इस पर दोबारा क्लिक करेंगे उसके बाद आपके पास वो शिपमेंट नंबर है वो आपको शो होता है उसी ऑर्डर का जो आपको न्यू ऑर्डर रिसीव हुआ था। अभी आपको यहाँ पे शिपमेंट नंबर पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको दो प्रिंट आउट निकालने हैं। पहला प्रिंट आउट है इनवॉइस, जब भी आप इस ऑर्डर को पैक करेंगे तो ये इनवॉइस का जो प्रिंट आउट है वो आपको रख के अंदर सेंड करना है उस कस्टमर को। और सेकंड प्रिंट आउट होगा एड्रेस स्लिप, यानी जब भी आप उस ऑर्डर को जब पैक करेंगे तो उसके ऊपर जो स्लिप लगाते हैं वो यही स्लिप होती है एड्रेस स्लिप। तो सबसे पहले आप इनवॉइस पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपके पास दो यहाँ पे ऑप्शन मिलते हैं डायमेंशन के 4x6 एंड A4, जो भी आपका ऑर्डर है उसके रिलेटेड आपके पास जो भी सूटेबल साइज है वो आप सिलेक्ट करने के बाद आप उसे प्रिंट पे क्लिक करेंगे। प्रिंट पे क्लिक करते ही आपके पास ये जो नई टैब है वो ओपन हो जाएगी। साइड में आपको प्रिंट का ऑप्शन मिलता है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आप इसे प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। सेकंड प्रिंट आउट आपको ये निकालना है कि आपको एड्रेस स्लिप जब भी आप इस कस्टमर को शिप करेंगे इस ऑर्डर को तो आपको जो ऑर्डर पैक करेंगे उसके ऊपर जो आपको स्लिप लगानी होती है वो ये एड्रेस स्लिप है। यहाँ पे भी आप डायमेंशन सिलेक्ट कर सकते हैं आपका जो ऑर्डर का साइज है उसके अकॉर्डिंग, और सिंपली आप प्रिंट पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे जो नया टैब ओपन होता है साइड में आपको ऑप्शन मिल जाएगा प्रिंट आउट का, इस पे आप क्लिक करेंगे। वैसे आप से इसका भी प्रिंट आउट ले सकते हैं। प्रिंट आउट कंप्लीट होने के बाद आपके पास साइड में एक ऑप्शन मिल जाएगा रेडी टू डिस्पैच, सिंपली आप इस पे एक बार क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही आपका जो ऑर्डर है वो रेडी टू डिस्पैच हो चुका है। अभी जो कोरियर सर्विस है उसके पास नोटिफिकेशन जा चुका होगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ उस ऑर्डर को आप दोबारा देखेंगे अंदर जाने के बाद तो आपको यहाँ पे रेडी टू डिस्पैच टैब में आपको वो ऑर्डर मिल जाएगा। आप यहाँ से देख सकते हैं जो नोटिफिकेशन है वो जा चुका होगा इस कोरियर सर्विस के पास, और जब भी उनका जो टाइम होगा यानी जब भी उनका स्लॉट होगा तब वो आके इस ऑर्डर को पिकअप कर लेंगे। बस इतना सा ही आपको प्रोसेस फॉलो करना होता है जब भी आपके पास नया एक ऑर्डर रिसीव होता है जियो मार्ट पे। अभी मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ, अगर आपने दो चार ऑर्डर आपके एक साथ रिसीव हुए हैं, आपने सबको एक साथ यहाँ पे शेड्यूल किया है अलग अलग टाइम पे, तो आप अलग अलग चीज का प्रिंट आउट निकालने के लिए बार बार यहाँ पे लॉग इन नहीं करेंगे। इसके लिए क्या है कि अगर आपने रेडी टू डिस्पैच ऑलरेडी कर रखा है उसके बाद भी आप इनका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। अगर आप रेडी टू डिस्पैच टैब पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे शिपमेंट नंबर पे क्लिक करेंगे, यहीं पे आपको इनवॉइस एंड एड्रेस स्लिप दोबारा से डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो अगर आपने इन ऑर्डर्स को अलग अलग भी शेड्यूल किया है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में भी आप इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और जब भी आप इन्हें पैक करेंगे तब इनका प्रिंट आउट निकालने के बाद आप इन्हें पैक कर सकते हैं। आई होप गाइस आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि वो लोग भी जियो मार्ट पे अपने ऑर्डर्स को प्रोसेस कर पाए, देख पाए कैसे एक प्रॉपर तरीके से आप ऑर्डर को शेड्यूल कर सकते हैं। एंड गाइस अगर आपकी और भी कोई क्वेरी है जियो मार्ट से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक के ऊपर बना दूंगा। अगर आप पहली बार देख रहे हैं हमारे वीडियोस को तो आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा, जिससे ऐसी जो भी अमेजिंग वीडियोस आएंगी उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो गाइस मैं मिलता हूं आपसे किसी अगले वीडियो में अगले किसी टॉपिक के साथ, तब तक आप खुश रहिए, अपने आसपास के लोगों को खुश रखिए। जय हिंद, जय भारत।